आपने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और आपको अगर 3 टेस्ट सीरीज रिकमेंड करनी हो एस्पिरेंट्स को तो आप क्या करोगे, कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए? आपने उसे बताया काफी कि रोज एक दो, और मैं टॉपर्स में कॉमन देखता हूँ काफी कि वो बहुत मॉक देते हैं, स्पेशली रैंक वन जितने भी मेरे पास आए हैं वो मॉक मॉक मैंने भी बहुत ज्यादा मॉक दिए हैं। राइट, तो ये स्ट्रेटजी आपने कैसे बिल्ड करी कि आपको खूब मॉक देना है? कि आपने किसी टॉपर को सुना कि वो मॉक दिया तो हम भी खूब मॉक देंगे, या कैसे आपने सोचा कि इतने मॉक? टॉपर्स को भी सुना था और फिर सिलेबस हो चुका था, तो फिर अब बार बार रिवाइज भी साथ में चल रहा था, पर उसमें इतना टाइम नहीं लग रहा था, अब तो टाइम बच रहा था और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो मॉक्स की वजह से जुड़े रहते थे कि हाँ वापस से PYQ भी रिवाइज हो जाते हैं, उससे रिविजन भी हो जाता है, प्रैक्टिस भी दोनों हो जाते हैं, तो बेस्ट है। और जाहिर सी बात है अगर बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं तो आपको कई सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। राइट, तो आपने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और आपको अगर 3 टेस्ट सीरीज रिकमेंड करनी हो एस्पिरेंट्स को तो आप क्या करोगे, कौन से मॉक्स वो लें? मैंने सारे की थे, सुपर मॉक्स, ऑलिव बोर्ड, टेस्ट बुक, ग्रेड अप सब लगाए थे, और रिकमेंडेशन के लिए सबसे पहले सुपर मॉक्स, दे आर वेरी रेलेवेंट, एंड देन टेस्ट बुक ऑल्सो, PYQ ऑल्सो इंक्लूड्स इन दिस, एंड अगर लेवल अच्छा हो गया तो ऑलिव बोर्ड भी। ओके, और एक चीज़ और सोचता मुझे पूछनी है कि एग्ज़ाम, जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है अभी, जब आपका इंटरव्यू पब्लिश होगा तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद है, तो बच्चे पूछते हैं कि इन दिनों मॉक दें कि ना दें, और मॉक प्रीवियस ईयर वाले दें या फिर नए मॉक्स दें? मॉक PYQ, अगर सिलेबस अच्छे से हो गया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो नए भी, और वरना PYQ। ओके, राइट, सिलेबस अगर सही से कवर्ड है तो नए भी दें, और अगर नहीं है प्रॉपरली कवर्ड तो कॉन्फिडेंस ना गिराएं और PYQ दें। बिल्कुल सही बात है, ठीक है।